अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़िया। आज हम आप लोगों के साथ हल्का फुल्का नाश्ता इडली की रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आप लोगों की इडली सॉफ्ट नहीं बनती तो हम आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे, तो आप लोगों की भी इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी और इडली के साथ खाने वाली चटनी भी बनाएंगे। ये एकदम डिफरेंट तरीके से चटनी बनाएंगे। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 2 कप सूजी ले रहे हैं। सूजी हमारी बारीक वाली है, देखिए 2 कप हम सूजी ले लिए और ये 1 कप दही है और ये नमक है। इसको हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम इसका बैटर बनाना है। इसको हम मिक्स करके 1 घंटे के लिए इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। 1 घंटे में सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। अगर इसको सुबह बनाना है तो आप लोग इसको बैटर बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर जब बनाना रहे तब इसमें हम इनो डालकर फटाफट बना लेंगे। अगर बच्चों को टिफ़िन में देना हो या सुबह नाश्ते में बनाना हो तो हम सुबह बना सकते हैं। ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाता है नाश्ता, एकदम हल्का फुल्का नाश्ता है। इसको चाहे हम सुबह बनाएं या 4-5 बजे बनाएं, ये नाश्ता सभी को पसंद आता है। अब इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। ये देखिए हम रख दिए थे बैटर को 1 घंटे के लिए। अब ये एकदम रेडी हो गया है। अब इसमें हम इनो डाल रहे हैं। जब इनो डालते हैं तो इसमें बबल्स आते हैं, ये देखिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और यही पहचान है इडली की। इडली हमारी एकदम सॉफ्ट बनेगी। थोड़ा हम इसमें पानी और डाल रहे हैं। अब इसको हम फटाफट बना लेंगे, ये इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी। आप लोगों को भी दिखता होगा इसमें बबल्स, और इसमें बेकिंग सोडा भी हम डाले हैं। दोनों चीज़ हम इसके अंदर ऐड किए हैं। अब बस इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरीके की होनी चाहिए। अब इडली हमारी अच्छे से सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसको बनाएंगे। एक तरफ हम रख दिए हैं इडली का स्टैंड, पानी इसमें गर्म हो रहा है। अब ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी बहुत सी रेसिपी अपलोड हुई है हमारे चैनल पर, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। ये देखिए हम ये स्टैंड लिए हैं इडली का। अब इसके अंदर हम बनाएंगे और इसको हम तेल से थोड़ा ग्रीस कर ले रहे हैं, हल्का हल्का हम लगाएंगे। इससे हमारी इडली अच्छे से निकल जाएगी। इसको डालना ज़रूरी रहता है। ये देखिए अब हम बैटर को डाल देंगे। थोड़ा हम कम कम डालेंगे क्योंकि इडली हमारी फूलती है। अब ऐसे ही हम सारे स्टैंड में डाल देंगे इडली को। ये देखिए हमारी फटाफट से हम 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाती है। बस इतना इतना हम डाल रहे हैं, अभी ये फूलेगी और भी बड़ी हो जाएगी। इडली हमारी बहुत सॉफ्ट बनती है। आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी इडली बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी, ना टूटेगी ना बिखरेगी, एकदम अच्छी बनेगी। बस ऐसे ही हम रख देंगे। ये देखिए तीनों स्टैंड को हम रख दिए हैं। अब इसको हम 15 मिनट तक पकाएंगे। चटनी के लिए हम लिए हैं ये हरे धनिया का डंठल है, ये प्याज है, ये सेव है। सेव से चटनी बहुत अच्छी बनती है। और ये सूखी लाल मिर्च है, ये अदरक है, ये लहसुन है, ये कड़ी पत्ता है और ये टमाटर है। ये उड़द दाल है,
ये भुना हुआ चना है उसकी दाल, और ये राई है, और ये चना दाल है, कच्चा चना दाल है। आप लोग नारियल की चटनी तो बहुत बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन आप लोग इस तरीके की चटनी बनाएंगे तो बहुत अच्छी चटनी बनेगी। हम एकदम डिफरेंट तरीके से बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये पैन चढ़ा दिए हैं, उसमें हम राई डाल देंगे, राई को तड़कने देंगे, फिर उसमें ये कच्चे चने की दाल डाल देंगे हम, और ये उड़द की दाल है इसको हम थोड़ा डालेंगे, फिर इसमें हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, फिर इसमें हम अदरक डाल देंगे, लहसुन डाल रहे हैं। ये देखिए, इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इसमें थोड़ा कलर आ जाए। प्याज डाल देंगे, प्याज को ज़्यादा हमको भूनना नहीं है, बस इसको सॉफ्ट होने तक हमको भूनना है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स कर लेंगे, इसको थोड़ा अच्छा सा कलर आने देंगे हम। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक इसको हमको भूनना है, सॉफ्ट होने तक। ये देखिए, प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है, बस इसको हम अब नहीं भूनेंगे। अब इसी में हम टमाटर डाल देंगे। इस तरीके की चटनी आप लोग बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे, एकदम डिफरेंट तरीके से चटनी बनेगी। ये धनिया भी हम, ये धनिया का डंठल बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये सेव है, सेव हम डाल देंगे, अगर हम सेव डाल देंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, चटनी का टेस्ट डबल हो जाएगा। अब ये जो चना दाल थी इसको भी हम डाल देंगे और इसको हम भून लेंगे। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब इसमें हम नमक भी डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे, बस हमको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे इसको, और माशाल्लाह इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कवर कर दिए हम, 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। ये देखिए, अभी इडली हमारी हुई नहीं है, इसको हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए, सब चीज़ अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। ये देखिए, इसको हम ठंडा कर लिए हैं, अब इसको हम पीस लेंगे एक मिक्सर जार में, सब इसको हम एक साथ में पीस लेंगे। ये चटनी बहुत अच्छी बनती है, आप लोग इस तरीके से चटनी बनाएंगे ना तो सबको बहुत पसंद आएगी, और आप लोग इडली से ज़्यादा चटनी खाएंगे, इतनी अच्छी चटनी बनती है। और इसमें हम तड़का देने के लिए पैन चढ़ा दिए हैं, अब इसमें हम राई डाल रहे हैं, और ये उड़द दाल है थोड़ा सा हम डालेंगे, और राई डाल रहे हैं और सूखी मिर्च डाल रहे हैं, इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है। और कढ़ी पत्ता हम डाल रहे हैं, 7 से 8 कढ़ी पत्ता है, इसको हम डाल देंगे, ये चटनी में फ्लेवर बहुत अच्छा देगा। अब तड़का हमारा रेडी हो गया है, अब इसको हम ऊपर से तड़का लगा देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी हमारी चटनी बनकर रेडी हुई है। कलर देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है, जितनी अच्छी देखने में लग रही है उतनी अच्छी ये खाने में भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। और हमारी इडली भी रेडी हो गई है, ये देखिए, अब ये अच्छे से हम निकाल लेंगे इसको। अगर ये बन जाती है तो इसमें हम स्टिक वगैरह जब डालते हैं तो उसमें ज़रा भी ये बैटर लगेगा नहीं, तो आप लोग समझ लीजिए कि हाँ, ये इडली अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम सारी इडली को निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। ये देखिए, हमारी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है, आप लोग भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी इडली इसी तरीके से बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चे बड़े सब खुश होकर खाएंगे। ये इतनी अच्छी इडली बनती है, और इडली के साथ साथ चटनी भी हम जो बनाए हैं बहुत अच्छी चटनी है। हमारे घर में तो बच्चे बड़े सब खुश होकर बहुत खाए थे,
सबसे ज़्यादा तो चटनी खाए थे, इतनी अच्छी चटनी बनती है। और ये देखिए, हम इसी चटनी के साथ इसको इंजॉय करेंगे। माशाल्लाह हमारी चटनी और इडली दोनों बहुत अच्छी बनी है। चटनी का फ्लेवर तो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट इडली है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, और कितनी अच्छी इसमें जाली पड़ी है। यही पहचान है हमारी इडली की। इडली हमारी एकदम सॉफ्ट बनी है, और ऐसे हम इंजॉय करेंगे इसी चटनी के साथ। हमारी रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।